हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी हाउ यू ऑल डूइंग I'm सो so सॉरी मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ बट आई आई ट्राइड माई बेस्ट मैं ये वीडियो टाइम पर अपलोड कर दूँ बिकॉज uh, कोई ग्लिच आ गया बिकॉज ऑफ सम ग्लिचेस आई कुड अपलोड दिस वीडियो तो मैंने सोचा मैं लाइव आकर ही तुम्हें समझा जाती हूँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सो गए होंगे बट जो नहीं सोए हैं उनके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कल आपका एग्ज़ाम है आमी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहली का ठीक है आमी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहौली एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसके लिए आप सबको ट्राई करना चाहिए इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट राइट तो हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से कैरी करनी है जो कि क्लाट में हमें नहीं कैरी करनी थी और यहाँ पर हमें एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज़ वेल तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे जल्दी जल्दी से पांच मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा पाँच मिनट की वीडियो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और हाउ टू अटेम्प्ट ए आई एल एल ई टी दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहली का जो एग्जाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर हमें अच्छे से फॉलो करनी है ठीक है हमें अपना मास्क लेकर जाना है ग्लव्स लेकर जाना है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना है जो फिफ्टी एम एल होना चाहिए ना उससे ज़्यादा ना उससे कम ट्राई करें ठीक है उसके बाद ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना है सिंपल पेन लेकर जाना है देखिए पेन में भी इन्होंने सिंपल लिखा है तो एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएंगे आप ठीक है एंड द एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आपका एडमिट कार्ड है आईडी कार्ड है यहाँ पे आईडी कार्ड की आपको फोटो भी चाहिए जो हम थोड़ी देर में देखेंगे ठीक है तो उसके बाद नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड इनसाइड द एग्ज़ाम वेन्यू कुछ और आप मत लेकर जाइएगा ठीक है अ कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इन अ साइंड सेल्फ अल्फ़रेक्लोरेशन एज गिवन बिलो तो एक मेडिकल सेल्फ डेक्लोरेशन दिया हुआ है कि मुझे कॉफ़ ये सब कुछ नहीं है तो वो भी साथ में हमें लेकर जाना है फॉर्म ठीक है उसके बाद uh, आपके एंड शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री गेट इन द एग्जाम ये फॉर द एंट्री आपको ये दिखाना है सेल्फ डेक्लोरेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड दिस इज मैंडेटरी कैंडिडेट शोइंग कोविड सिम्टम्स विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जाम

ठीक है उ, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ अ कैंडिडेट वुड भी चेक ठीक है आपका टेम्परेचर चेक करेंगे और फिर आपको अंदर आना अलाउ किया जाएगा उसके बाद मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स दैट इज़ वो जो बोर्ड के ऊपर लगा होता है ना कि इस कंप्यूटर पे ये पर्सन बैठेगा ये लैब नंबर है ये कंप्यूटर नंबर या ये टेबल नंबर वो आपका तो, मतलब किसी भी नोटिस बोर्ड पर नहीं लगेगा बल्कि उन्होंने कहा है मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर्स एंड द लैब नंबर्स विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू बट द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट To the exam venue and post their admit card and ID. तो वेरिफिकेशन तो पहले वेरीफिकेशन होगी उसके बाद इन पर्टिकुलर आपको बताया जाएगा कि आपको इस लैब में जाना है और इस कंप्यूटर के आगे बैठना है बच्चों आई नो अभी बहुत लेट हो चुका है बट अगर अभी भी आपने अभी मॉक टेस्ट जो इन लोगों ने दिया है अगर मॉक टेस्ट वो इसलिए सॉल्व नहीं करना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक टेस्ट इसलिए सॉल्व करना है आपने यू हैव टू सॉल्व द मॉक टेस्ट सो दैट आप ये देख सको कि वहां पर आपको सी मोड में कैसे आंसर करना है ठीक है ना तो एक बात चाहे चार से फोर टू फाइव क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो

नंबर वन डे प्रायर टू द एग्जाम डेट तो अभी तक आपको टाइम स्लॉट मिल जाना चाहिए इन्होंने लिखा है डे प्रायर आपको आ जाएगा नोटिफाई कर दिया जाएगा उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट स्ट्रिक्टली एडेर टू दिस टाइम स्लॉट एज एंट्री इन द टेस्ट सेंटर विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल टाइम स्लॉट ओनली तो जो आपको टाइम स्लॉट दिया गया है उस पर आपको पहुंचना है वहां पर उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम वैसे इनका 7:30 थर्टी एम है आप मतलब सेवन थर्टी एम तो पहुंच ही जाना है इससे लेट तो हो ही नहीं सकते ठीक है ना और एट थर्टी के बाद वो कह रहे हैं कि हम एंट्री अलाउ नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट नोट प्लीज़ ब्रिंग द कॉपीज़ ऑफ एडमिट कार्ड अब यहाँ पे कॉपीज लिखा हुआ है तो आपके पास दो एडमिट कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए एक कैंडिडेट कॉपी और एक टेस्ट सेंटर कॉपी ये आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है टू द एग्जाम हॉल विद टू रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो आपको क्या चाहिए दो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी हमें चाहिए रहेंगी ठीक है ना यहाँ पे कॉपीज ऑफ़ एडमिट कार्ड चाहिए कैंड एग्जामेशन कॉपी वो मेडिकल वाली टेस्ट सेंटर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड सेल्फ डेकोरेपी विल बी रिटेन बाय टेस्ट सेंटर एंड कैंडिडेट कॉपी विल बी रिटेन बाय द कैंडिडेट एंड नीड टू बी मैं टाइम ऑफ काउंसलिंग ठीक है ना तो आप अपना एडमिट कार्ड संभाल कर रखेंगे वो काउंसलिंग के टाइम पर चाहिए रहता है ठीक है एनी वन ऑफ द ऑथोराइज एनी वन ऑफ द ऑथोराइज गवर्नमेंट आई पासपोर्ट आधार कार्ड ई आधार पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय बैंक राशन कार्ड एंड टेंथ मार्क शीट नॉट अलाउड ठीक है ना राशन कार्ड और टेंथ मार्क शीट आई के तौर पर वो नहीं लेंगे तो ये नोट कर लीजिए प्लीज नोट दैट योर नेम जो नेम होना चाहिए आपके एडमिट कार्ड पर और जो आई आप उनको दिखा रहे हैं वो सेम होना चाहिए ठीक है ना इफ़ देर इज एनी मिसमैच वो नहीं एंटर करने देंगे तो फोटो कॉपी और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड टू द इन्विजुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल फेलिंग विच ही और शी विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट तो आपको एक कॉपी लेकर जानी है अपनी आइडेंटिटी कार्ड की फोटो आइडेंटिटी कार्ड की यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है तो वो कॉपी जरूर लेकर जाए और यहाँ पे इन्होंने ओरिजिनल और उसका नहीं लिखा हुआ तो मैं कहूँगी ओरिजिनल भी साथ में कैरी कर लें अ कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ हैज़ टू बी सबमिटेड टू द सेंटर ठीक है ना तो फोटो कॉपी अपने आईडी प्रूफ की ज़रूर लेकर जानी है तो राशन कार्ड वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो वो गैजेट वो गैजेटेड जो पब्लिश हुआ है वो आपको साथ लेकर जाना है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट सेवन पॉजिटिवली नो कैंडिडेट एट थर्टी एम के बाद नहीं अलाउ करेंगे मोबाइल फोन्स और ये सब कुछ मत लेकर जाना उसके बाद रफ शीट वो आपको प्रोवाइड करेंगे पेन भी यहाँ पर लिखा हुआ है बट अपना पेन भी ले जाना रफ शीट के ऊपर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे और उनको ही सबमिट कर देंगे रफ शीट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देर इज नो नेगेटिव मार्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन डाट आंसर्ड एंड देन मार्क्ड फॉर रिव्यू ठीक है ना आपने आंसर कर दिया बट मार्क्ड फॉर रिव्यू हाँ मैं शायद वापस आ सकता हूँ इस क्वेश्चन पर, पर अगर मार्क्ड फॉर रिव्यू भी कर दिया और आपका पेपर सबमिट हो जाता है उसके साथ ही तो वो आंसर्ड ही माना जाएगा ठीक है फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड एट द एग्जामिशन हॉल एनी वन फाउंड डिसक्लोजिंग और ये जो कुछ भी है ठीक है वो नहीं करना है कैंडिडेट्स आर एडवाइड टू लोकेट द टेस्ट सेंटर उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा इसके अंदर सब कुछ क्रॉस 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 अगर सच में नहीं है तो ठीक है नेम ये सब कुछ मेंशन करना है और ये घर से ही भर कर लेकर जाना है दैट आई एम नॉट कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव ठीक है उसके बाद यहां पर अब हमारा आता है पैटर्न ऑफ द एग्जाम और यहां से हम करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम अटैम्प्ट करना है तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या रहता है हमारे फोर सेक्शन है यहाँ पे मेंटल अबिलिटी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर लॉ एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश ठीक है फिफ्टी मार्क्स के हैं सारे सेक्शन इक्वल वेटेज है ठीक है ना इक्वल वेटेज है टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर है यहाँ पे हमारा और फोर सेक्शंस होंगे उसके बाद यहाँ पे देर इज नो नेगेटिव मार्किंग तो ये क्या है एक पावर है ये क्या है पावर है पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एमसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं ठीक है ये बात क्लियर है अब पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है क्योंकि यहां पे no पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्लैट वाला नहीं है यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा बट उसके अलावा कोई भी पैसेजेस नहीं होंगे लीगल रीजनिंग में जैसे फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे आते हैं मतलब ये पुराना क्लैट है ट्वेंटी 2019 जैसा क्लाट का पेपर होता था वैसा होगा ठीक है तो इसमें क्या है दो रन में अपना पेपर अटैम्प्ट करिए टू रन्स के अंदर मतलब पहली बार में जो आपका आपने पेपर पेपर खोला ठीक है फटाफट से करना स्टार्ट कर दो जो जो क्वेश्चन आता है वो फटाफट से करते जाओ एंड फिर एंड तक जाओ फिर उसके बाद वापस से आओ जो क्वेश्चन छोड़े थे उनके ऊपर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो ऐसा करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो क्वेश्चन है यू नो कई बार हमें कोई चीज़ जल्दी जल्दी में याद नहीं आती बट थोड़ी देर बाद हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं है ना याद आ जाती है, है ना हमें वो चीज़ें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टू रन में मिनिमम ये पेपर सॉल्व करें एंड सिंस दर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग ये तो हमें पता ही है कि वी हैव टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ठीक है ना उसके बाद इन द फर्स्ट रन ये एक टाइप का है अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है पिछली बार लास्ट ईयर एम एच सी ई टी के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर किया था एंड बहुत बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ था इन द सेकेंड रन कम बैक टू द क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं और उनके ऊपर दोबारा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिए मतलब जो क्वेश्चन आपका पहली बार में नहीं हो रहा उसको छोड़कर अपने आगे आगे तक पूरा पेपर आप कर 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 आओ एंड फिर वापस आओ जो क्वेश्चन नहीं आते उसके बाद ये इसलिए करिए कि जो ईजी क्वेश्चन हैं कहीं आप वो ना मिस कर दें ठीक है अब कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि नहीं हमें इस तरह से पेपर नहीं सॉल्व करना है हमें टाइम मैनेजमेंट या सीक्वेंस वाले टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हम ये डिसाइड करके जाएंगे कौन से क्वेश्चन को कौन से सेक्शन को कितना पेपर टाइम हमने देना है तो अगर आप इसे देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी भी आई नो बहुत लेट हो गया बट अभी भी अगर आप एक पेपर उठाकर मॉक टेस्ट क्लाट का ट्वेंटी का उठाकर वो सॉल्व करके देखें इस तरह से तो हो सकता है आई नो थोड़ी सी स्क्रीन कट रही है बट सेक्शन uh, ही कट रहा है वो मैं आपको बता दूंगी ठीक है ना उसके अंदर अब आपको ये करना है अगर आप सेक्शन वाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो सेक्शन वाइज में आप ऐसे वो कर सकते हो ठीक है ना सेक्शन वाइज के अंदर आप ये कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो अगर मॉक के अंदर बच्चे कह रहे हैं कि शफल आता है तो अगर शफल आता है तो तो आपकी यही वाली स्ट्रैटी जो है अगर मॉक्स के अंदर शफल आता है ऐसे शफलिंग आ रही है सेक्शन वाइज नहीं है देन दिस पॉलिसी इज द बेस्ट वे दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व कि आप पूरे पेपर को फर्स्ट टाइम रन थ्रू करें पेपर से और फिर सेकेंड टाइम में दोबारा रन थ्रू करें ठीक है ना और एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें बट जीके वाले टाइप में और फॉर एग्जांपल जीके वाले क्वेश्चंस के अंदर आपसे ये हो रहा है कि जीके के अंदर हमें वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ठीक है वो सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस देने की कोशिश करते हैं आप लोग क्या करेंगे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा अपने दिमाग में आंसर दो फटाफट -फड़ से सो so दैट आप जो ऑप्शन दी हुई हैं उसमें कन्फ्यूज ना हो तो जीके के अंदर ये करना है बट बाकी सब जगह ट्राई करो कि सारी ऑप्शन पढ़कर एलिमिनेट कर कर आंसर दो राइट ये कर सकते हो एंड अगर बायचानस मेरे को मॉक टेस्ट का किसी ने लिंक नहीं दिया सो आई डोंट नो तो इसमें अगर मॉक टेस्ट के अंदर आपका सेक्शन वाइज नहीं है तो वो वाली स्ट्राटेजी और अगर सेक्शन वाइज है तो आप ये वाली स्ट्राटेजी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप जीके को 10 टू 12 मिनट्स दें इंग्लिश में 25 टू 28 मिनट्स दें मेंटल एबिलिटी 30 टू 35 और लॉ एप्टीट्यूड थर्टी टू थर्टी दें ठीक है ना सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं अगर सीक्वेंस वाइज में पेपर है डरने वाली कोई बात नहीं होती है कि सीक्वेंस में नहीं है अब जैसे लास्ट ईयर एम ए एच के अंदर बहुत हो गया था कि शफल्ड पेपर आएगा तो क्या हुआ शफल्ड है सिलेबस में से तो आ रहा है ना जो जो हमने पढ़ा है वही आ रहा है ना शफल हो गया तो क्या हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है शफल आए सेक्शन वाइज आए कुछ भी आए यू शुड सॉल्व इट ठीक है ना समझ में आ गया ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर टाइमिंग्स का है वैसे अगर शफल आ रहा है तो वो पिछले वाली स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है अब कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं अब इसमें डूज एंड डोंट्स में ये है डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन फॉर मोर टाइम ठीक है अब एक क्वेश्चन है उसको चिपक जाना नहीं है अगर आप नॉर्मली एक क्वेश्चन को जितना टाइम दे रहे हो उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो इट मीन्स कि आपको ये छोड़ देना चाहिए अभी के लिए एंड यू शुड कम बैक ठीक है ना उसके बाद डोंट वरी वरीव दर क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर कई बच्चे जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो क्वेश्चन है ठीक है हम कैसे यू you नो know, so, ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं है एग्ज़ाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सिलेबस वास्ट है ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको नहीं आंसर आता है ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनका क्वेश्चन आंसर आपको आता है सो फोकस ऑन दोस्त ठीक है ना तो डरना बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर जाकर तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो मैं आपको एक ट्रिक, ट्रिक देना चाहती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहशन भी सॉल्व करें ट्राई करें कि पहले उसकी उसके क्वेश्चंस पढ़ लें एंड फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करें ऐसे आपको पर्पस मिल जाता है कि आपको एक्चुअली करना क्या है ओके okay. दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू दिस इज़ वॉट इज़ देर अगर आपकी कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें ले जानी है वो है या फोटो कापीज ऑफ द आई डी जो भी आप फोटो आई डी अपनी कैरी कर उसकी फ़ोटो कापी आपको अपने साथ कैरी करनी है दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स कैरी करनी है एडमिट कार्ड एक कैंडिडेट का एडमिट का कार्ड है और एक जो सेंटर को देना है वो एडमिट कार्ड भी आपको अपने साथ कैरी करना है डेक्लरेशन फॉर्म भी आपको कैरी करना है राइट अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क दिस इज द दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द पेपर मोटिवेशन के अंदर प्लीज़ प्लीज प्लीज़ मत डरना बहुत बच्चे क्लैट के पेपर में डर गए बट बहुत बच्चे बहुत अच्छा पेपर भी देकर आए हैं ठीक है ना वहाँ पे ऐसे होंगे कि कुछ सेक्शन है कोई सेक्शन है जो डिफ़िकल्ट डाल दिया बट फिर कोई सेक्शन होगा जो इजी भी होगा मान लो मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग सेक्शन है बट इंग्लिश डिफ़िकल्ट आ गया तो मैं गिव अप नहीं कर दूंगी क्या पता लीगल रीजनिंग मैंने बहुत डिफिकल्ट वाली सॉल्व करी हो बट वहाँ पर बहुत ईजी आई है तो मैं डरूंगी नहीं मैं बस मेरा एम क्या होना चाहिए वहाँ पर कि मैं अपनी पॉकेट में कितने ज़्यादा नंबर डाल सकती हूँ मैं वो कौन से क्वेश्चन ढूंढूँ जो बार बार मैं जो अच्छे से मैं उसको सॉल्व करके करूं और यहां पर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है देखिए आप फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ना और आप सोल्व करें कि ये तो मुझे सॉल्व करके ही आगे निकलना है तो बट अगर आप जल्दी जल्दी से फर्स्ट टाइम में अच्छे वाले सॉल्व कर लेते हैं जो आपको है, जो आपको आपको हैं आते और सेकंड में आप आके दोबारा उन क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं तो चांसेस हैं कि आपका जो गलत होने वाला क्वेश्चन था वो भी आपको वन मार्क दे जाए ठीक है ना तो ये सब पॉलिसीज ये सब स्ट्रेटेजी आपको दिमाग में रखनी है दैट्स इट डरने वाली कोई बात ही नहीं आप लॉगरियन हो और सब बढ़िया होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है है? इसके अंदर, ठीक okay? so जरूर बताना कि पेपर कैसा था ठीक है ना? जो लोग चार्ट uh, में लिख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन ए आई एल एलईटी दैट इज योर एग्जाम फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ओके